नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टोराइजेशन, यानी आज के इस वीडियो में हम फैक्टोराइजेशन काफ़ी आसान तरीक़ा से, काफ़ी आसान विधि से निकालना सीखेंगे, जिसका यूज आपके लाइफ में हमेशा होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, किसका फैक्टोराइजेशन करना है। देखिए क्वेश्चन है, आप देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हज़ार, यानी 24,500 का हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, यानी फैक्टोराइजेशन करना है। तो अब देखिए फैक्टोराइजेशन करने का नियम क्या होता है, तो नियम यह होता है कि देखिए इसको काटाना पड़ता है, यानी किसी भी संख्या से भाग देना पड़ता है, और जिस संख्या से भाग देंगे वह संख्या कम संख्या होना चाहिए, और उस संख्या से ये संख्या पूरा पूरी कटना चाहिए, कोई भी हार सी नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा पूरी संख्याएँ कटना चाहिए, और कम संख्या से कटाने का प्रयास करना है। यही नियम होता है फैक्टोराइजेशन को सॉल्व करने का। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए लास्ट में दाहिने तरफ अगर जीरो रहेगा या कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो उस कंडीशन में यह जो नंबर है ना, ये 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी यहाँ पर अंत में जीरो है ना, तो 2 से कटेगा। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर 2। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 2 जो है ना एक बार में आता है, और देखिए 2 के पहाड़े में 4 जो है ना, यहाँ पर 2 के पहाड़े में 4 दो बार में आता है, 2 के पहाड़े में 5 नहीं है, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम 4 है 2 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़े में 4 है, 2 2 के 4 यानी दो बार में। अब देखिए 2 2 के 4 हो, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 है, तो इसमें से 1 बचेगा ना, तो उस 1 को इस 0 के पहले लगाएंगे तो जगह 10, और 2 के पहाड़े में 10 जो है ना, 2 5 10 पाँच बार में आता है, और ये वाला 0 ज्यों का त्यों उतार देना है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब फिर से इसको कटाना है, अब देखिए यहाँ पर अंत में क्या है, फिर से 0 है, तो जब भी 0 रहेगा या सम संख्या रहेगा तो उस कंडीशन में ये भी पूरा पूरी 2 से कटेगा। तो चलिए फिर से 2 से कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, 2 हमने लिख लिया। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 1 तो नहीं है, लेकिन 1 और 2 यहाँ पर 12 हो जाएगा ना, तो 2 के पहाड़ा में 12 है कितने बार में, तो 2 6 होता है 12 यानी 6 बार में, तो यहाँ पर 12 के ठीक नीचे यहाँ पर लिखेंगे 6। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 2 जो है एक बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं है, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम 4 है, 2 के पहाड़ा में 4 है दो बार में। अब देखिए 2 2 के 4 होगा, लेकिन यहाँ पर 5 है, तो इसमें 1 बेसी है, तो उस 1 को इस 0 के पहले लगाएंगे तो जाएगा 10, और 2 के पहाड़ा में 10 यानी 10 जो है ना, 2 5 10 पाँच बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर अंत वाला जो नंबर है ना, ना ही कोई 0 है और ना ही कोई सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 12, तो सम संख्या भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो यह जो नंबर है ना, ये 2 से कभी भी पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, अंत में क्या है 5 है, जो कि एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या जो है ना, ये विषम संख्या से ही कटेगा, 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। देखिए अगर 3 से कटाने का प्रयास करेंगे तो 3 2 के 6, 3 4 12 और 3 के पहाड़े में 5 तो आएगा नहीं, 3 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये जो है 5 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5, देखिए 5 के पहाड़े में 6 तो नहीं है, लेकिन 6 से थोड़ा सा कम 5 है कितने बार में, 5 के पहाड़े में 5 है एक बार में, एक बार में। अब देखिए 5 1 5 यहाँ पर क्या है 6, तो एक बेसी है ना, तो उस एक को इस एक के पहले लगेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 के पहाड़े में तो 11 नहीं है, लेकिन 11 से थोड़ा सा कम 10 है, तो 5 के पहाड़े में 10 है कितने बार में, दो बार में, यानी 5 2 1 हो जाएगा 10। अब देखिए 11 है तो इसमें से एक बचेगा ना, तो उस एक को इस 2 के पहले लगेंगे तो हो जाएगा 12, और 5 के पहाड़े में 12 भी नहीं है, लेकिन 12 से थोड़ा सा कम 10 है कितने बार में, दो बार में। अब देखिए 5 2 के 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 आ गया था ना, तो इसमें से 2 बचेगा, तो उस 2 को इस 5 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 25, और 5 के पहाड़े में 25 जो है ना 5 बार में आता है। अब देखिए फिर 1225 का गुणा करेंगे 5 में, तो आपका 6125 आ जाएगा, यही होता है गुणनखंड का नियम। अब देखिए 6125 का गुणा करेंगे इस 2 में, तो आपका 12250 आ जाएगा, और 12250 का गुणा करेंगे इस 2 में, तो आपका 24500 हो जाएगा, यानी इसका हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोराइजेशन कर रहे हैं।
अब देखिए इसके अंत में क्या है, पाँच है तो फिर से ये पाँच से कटेगा। देखिए विषम संख्या पाँच है ना, तो देखिए हम पाँच से कटा देंगे। पाँच के पारा में एक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और दो मिलकर 12 हो जाएगा, तो पाँच से 12 में भाग लग जाएगा। पाँच के पारा में 12 भी तो नहीं है ना, लेकिन 12 से थोड़ा सा कम 10 है ना पाँच के पारा में, तो हमको कम लाना है पाँच के पारा में, इस 12 के बराबर या 12 से कम लाना है, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे हम भाग करते हैं ना, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो पाँच के पारा में 12 नहीं है, लेकिन 10 आएगा कितने बार में, तो दो बार में, तो 5 × 2 = 10, इसमें से 2 बचेगा ना, तो उस 2 को इस 2 के पहले गए तो हो जाएगा 22। और पाँच के पारा में 22 नहीं है, लेकिन 22 से थोड़ा सा कम 20 है। पाँच के पारा में 20 है, 5 × 20 चार बार में, लेकिन 5 × 20 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 22 था ना, तो वो यहाँ पर 2 बचेगा, तो उस 2 को इस 5 के पहले गए तो हो जाएगा 25। और 5 के पारा में 25 आएगा यहाँ पर पाँच बार में। अब देखिए फिर अंत में क्या है, 5, तो यह भी 5 से कटेगा। देखिए 5 के पारा में 24 नहीं, लेकिन 24 से थोड़ा सा कम 20 है, 5 के पारा में 20 है, 5 × 20 चार बार में। अब देखिए 5 × 20 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 24 है, तो ये 4 बेसी है ना, तो इस 4 को इस 5 के पहले लगाएंगे तो ये जगह 45, और 5 के पारा में 45 जो है 9 बार में है। अब देखिए 49 हो गया, तो इसमें अंत में क्या है, 9 है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये जो संख्या है ना, सिर्फ और सिर्फ 7 से कटेगा, 5 के पारा में 49 नहीं आता है, और ना ही 5 के पारा में 4 और 9 आता है, तो ये सिर्फ 7 से कटेगा। देखिए 7 के पारा में 49 है 7 बार में, 7 से 49, और ये 7 जो है ना 7 से एक बार में कटेगा। और जहाँ पर एक आ गया ना, समझिए कि आपका फैक्टोराइजेशन हो गया। अब आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 24,500 जो है ना, इसको लिखना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24,500, और इसके बराबर में क्या लिखेंगे, देखिए जिन जिन संख्याओं से मैंने कटा है ना, उसको गुना में लिखेंगे। तो देखिए 2 से 2 बार कटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 दो बार, फिर गुना में यहाँ पर क्या है, और किस संख्या से कटाया है, तो 5 से 1, 2, 3 बार 5 से कटाया है, और 2 बार 7 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 5 यानी 1, 2, 3, और फिर गुने 7, और गुने में यहाँ पर आपका फिर से यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब देखिए इन संख्याओं से मैंने कटाया है, यानी इस संख्या को कटाया है, तो फैक्टोराइजेशन में हमारा ये आया है। तो इसके लिए करें कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए 2 से हमने कितने बार कटाया है, तो 1 2 बार, तो 2 का पावर 2 कर देंगे, गुना में 5 से 1, 2, 3 बार कटाया है, तो 5 के पावर 3, गुना में 7 के पावर यहाँ पर 2 कर देंगे, चूँकि 7 से 2 बार कटाया है, और ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 24,500 का जो फैक्टोराइजेशन होगा ना, वो आपका 2 का पावर 2 × 5 का पावर 3 × 7 का पावर 2 होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको फैक्टोराइजेशन यानी गुणनखंड निकालना काफ़ी आसानी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।